लेकिन आप अभी मुंबई होके आए, अंबानी जी की शादी में शामिल होके आपकी तस्वीरें सबने देखी, तो अब ये बुंदेली लोग जो है बंबई तक आशीर्वाद बांट रहे हैं। वैसे तो आप दुबई, ऑस्ट्रेलिया सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरें कुछ अलग थी, वो अनुभव जरा बताइए। बहुत अच्छा अनुभव था, भगवान की बहुत कृपा थी, सब निर्विघ्न संपन्न हुआ। और हमारे बड़े ही लाडले और चहेते हैं श्री अनंत जी और अंबानी जी, बहुत प्यारे हैं और उनका बड़ा स्नेह है। और उनका स्नेह था कि आपको गुरु जी आना है, हम ऑस्ट्रेलिया में थे, उन्होंने हवाई जहाज भेज दी, संत भी पधारे, पर पूरे विश्व को उन्होंने सनातन संस्कृति के वैदिक परंपरा का परिचय कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के वो पात्र हैं। कई वालों ने विदेशों में जाकर के जर्मनी स्टाइल में, फ्रांस स्टाइल में शादियां करके और न जाने कौन सी संस्कृति को बढ़ावा दिया, पर कम से कम उन्होंने भारत में रहकर के अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा तो दिया। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र नहीं तो क्या होंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं और जानना चाह रहा था आपसे इसी विषय को लेकर कि क्या संतों को, महात्माओं को, खासतौर से शंकराचार्य जी भी वहां पहुंचे, बहुत सारे प्रश्न इसको लेकर भी उठे कि संत महात्मा क्या इस तरह से आशीर्वाद बांटेंगे, या जिसको लेना है वो धाम पे आए और आशीर्वाद ले। संत महात्मा जाते ना होते तो बात अलग, हम अपने राम जी तो जाते, हम तो राम मंदिर में भी गए, हमें कोई शस्त्र भी बुलाता है, अगर व्यवस्था नहीं रहती हो, व्यवस्था वो बना देता है तो हम चले जाते हैं। आप बुलाओ, आपके यहाँ हो कोई मंगल काज परिवार में तो भेज दियो गाड़ी, हम आ जाएंगे, हमें क्या दिक्कत। तो ये पक्की रही फिर महाराज, ये तो अब चील गाड़ी तो नहीं भेज पाएंगे आपको महाराज, वो चील गाड़ी तो नहीं भेज पाएंगे, लेकिन गाड़ी जरूर भेजवा देंगे। तो भाई से बैलगाड़ी भेज दो। ठीक है, लेकिन एक जरा ये भी बताइए, अभी अखाड़ा परिषद में एक चर्चा हुई और उसमें बहुत से संतों के नाम आए जिसमें जिनको कहा गया कि ये फर्जी महामंडलेश्वर बन गए हैं या धर्म के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, उनको ब्लैकलिस्ट कर दीजिए महाकुंभ से। क्या आप इससे सहमत हैं? सही है, वो हमने पढ़ा था, उसमें जानकारी मिली, तो बहुत अच्छा निर्णय है कि जो मंचों पर सनातन की जगह दूसरे धर्मों का प्रचार करते हैं, ऐसे जो कालनैनी स्वरूप में है उन लोगों को डिस्टर्ब उन्होंने करना चाहा, परम पूज्य श्री रवि परिवार जी ने, बहुत अच्छा कदम है। हमारे यहाँ परिषद के अध्यक्ष भी है और हम सबके लिए सम्मानीय भी है, हमारे लिए तो अति सम्मानीय, उनका बड़ा स्नेह बना रहता है, बहुत अच्छा निर्णय है, हम इसके साथ हैं। लेकिन एक आप बाबा जी सबकी पर्ची निकालते हैं धीरेन जी, लेकिन एक डॉक्टर साहब बंबई के हैं, उन्होंने आपकी पर्ची निकाली है और वो कह रहे हैं धीरेन जी के बाल झड़ रहे हैं, मुझे तो हालांकि उड़ते हुए दिख रहे हैं आपके बाल, वो कह रहे हैं कि जो धीरेन जी के बाल झड़ रहे हैं और इनको जो है जल्दी सो जाना चाहिए, समय से नहीं सो रहे हैं। ये तो सर्व विश्व बजट है, कोई नई बात थोड़ी बताई है कि बाबा जी सोते कम है, मेहनत बहुत करते हैं, खाते कम है, काम ज्यादा करते हैं, समाज सेवा बहुत ज्यादा करते हैं और समय समय नहीं रहता, विश्व विजित बात है हमारे लिए। तो उनकी पर्ची भी निकलेगी क्या आपके धाम से? अब हमारा काम नहीं है, कुछ लोग देखिए वर्तमान में अभी एक नया ट्रेंड चल गया कि बागेश्वर बाबा का किसी विषय पर नाम ले लो तो अपना नाम हाईलाइटेड करने के लिए जी। तो बहुत अच्छा विषय चल गया, पर हमारी पर्ची को खोल रहे किसी गरीब आदमी को फ्री देख दे, अब बाल झड़ रहे हैं कि नहीं हमने तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम काया और माया पर कम ध्यान दे रहे हैं, हम तो माधव पर और सनातन पर और हिंदू एकता पर और भेदभाव मिटाने पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। उनको कहिएगा कि ठीक ठाक सलाह भेज दीजिएगा, हम फॉलो करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए भारत देश बड़ा गजब का है, सबसे ज्यादा ऑयल का प्रचार, सबसे ज्यादा हेयर स्पेशलिस्ट इस देश में और सबसे ज्यादा गंजे भी इसी देश में, थैंक यू वेरी मच कह दीजिएगा। धीरेन जी लेकिन एक बात बताइए, एक बात आप बताइए कि ये जो इतना पहले आप टटरी बांधने की सिलसिला आपने शुरू किया, आजकल धीरे धीरे घटा दिया है कि विवादों में कम फंसना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं घटाया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं घटा रहे हैं, कथा बहुत है विवादों में नहीं, अब क्या है कुछ लोग अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं, हमारा वैसा कहना था उचित भी नहीं रहता, अब कुछ लोग अपने नाम के लिए और संतों को थोड़ा नीचा ना देखना पड़े, हमारे द्वारा कोई भूल ना हो गए, कोई अपराध ना हो गए, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, कोई ऐसी वाणी ना निकले से किसी के मन को ठेस पहुंचे, सबका सम्मान होता रहे, इसलिए वाणी को संयमित किया है, पर हम विनम्र है, कायर नहीं है, ये आप उनको बता दीजिए। लेकिन एक कर्नाटक सरकार का आज फैसला आया धीरेन जी, और उसमें उन्होंने कहा कि जो पहले उत्सव स्कूल के अंदर मन जाते थे, गणेश उत्सव हो गया, सरस्वती उत्सव हो गया, अब स्कूल की जमीन पे कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो पाएगा,
ये आदेश कर्नाटक की सरकार ने निकाला, क्या कहेंगे आप? हमने इसको पढ़ा नहीं है ना, हमने इसको देख पाए अभी अभी, आपने ही सुनाया है और अब हम उचित अच्छे हम बता देंगे। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सेवा में लगे रहे, क्योंकि मंच पर ही बैठे बैठे हमने लाइव ठोक दिया। जी जी Z News.